दोस्तों पोरफाइरिया डिजीज क्या होती है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स की होती है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है कि पोरफाइरिया डिजीज क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कारण क्या है, कितने टाइप की दोस्तों पोरफाइरिया डिजीज होती है। दोस्तों पोरफाइरिया डिजीज काफी खतरनाक डिजीज भी मानी जाती है। पोरफाइरिया के जेनेटिक डिसऑर्डर का एक दोस्तों ग्रुप होता है, जेनेटिक जो फैक्टर्स हैं उनका एक ग्रुप होता है जो पोरफाइरिया नामक एक रसायन बनने के कारण विकसित होता है। दोस्तों ये रसायन शरीर में हमारी बॉडी के अंदर हीम बनने की जो प्रोसेस है इसमें किसी टाइप की गड़बड़ी होने के कारण ये विकसित होते हैं। हीम दोस्तों हीमोग्लोबिन का एक खास पार्ट होता है, एक खास हिस्सा होता है जो आयरन से समृद्ध होता है और ये दोस्तों ब्लड को रंग यानी कि कलर प्रदान करने का काम करता है। पोरफाइरिया रेयर डिजीज का एक ग्रुप है जो स्किन और दोस्तों हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। पोरफाइरिया के टाइप के अनुसार दोस्तों पोरफाइरिन का प्राथमिक हिस्सा दोस्तों बोन मैरो दोस्तों लीवर में जमा होने लगता है और कई अलग अलग टाइप के कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। पोरफाइरिया का दोस्तों ट्रीटमेंट संभव नहीं है। हालांकि दोस्तों पेशेंट को नियमित रूप से ब्लड चढ़ाकर और कुछ अदर ट्रीटमेंट विकल्प की मदद से इसके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। बात करें दोस्तों पोरफाइरिया टाइप की, तो दोस्तों पोरफाइरिया हीम बनने के कारण शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ है, ठीक है, इसके आधार पर दोस्तों अगर बात करें तो पोरफाइरिया को दो अलग अलग भागों में बांटा जाता है, यानी कि दो टाइप का होता है। एक तो दोस्तों एक्यूट पोरफाइरिया और क्यूटेनियस पोरफाइरिया। पहले बात करें दोस्तों एक्यूट पोरफाइरिया की, तो एक्यूट पोरफाइरिया दोस्तों ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है जिससे दोस्तों न्यूरोलॉजिकल समस्याएं विकसित होने लगती हैं। एक्यूट पोरफाइरिया को आमतौर पर कुछ भागों में कुछ पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि दोस्तों एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफाइरिया। दोस्तों नेक्स्ट की बात करूं तो वेरिएटेड पोरफाइरिया, हेरिडेटरी पोरफाइरिया और डेल्टा एमिनोलेवुलिनिक एसिड, तो इसको चार पार्टों में मतलब डिवाइड किया जाता है एक्यूट पोरफाइरिया को। बात करें दोस्तों यहां पर क्यूटेनियस पोरफाइरिया की, तो दोस्तों ये आमतौर पर हमारी स्किन में डेवलप करता है और ये आमतौर पर दोस्तों लाइट सेंसिटिविटी के कारण होता है जिससे स्किन संबंधित समस्याएं डेवलप होने लग जाती हैं। क्यूटेनियस पोरफाइरिया के भी दोस्तों कुछ सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि पोरफाइरिया क्यूटेनिया टाडा। दोस्तों नेक्स्ट होता है इसमें प्रोटो पोरफाइरिया और कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफाइरिया और दोस्तों हेप्टो एरियोथ्रोपोइटिक पोरफाइरिया। तो ये भी इसको भी चार पार्टों में मतलब इसके भी सब टाइप होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर इसके सिम्टम्स की कि पोरफाइरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों पोरफाइरिया के टाइप के अनुसार उससे होने वाले जो सिम्टम्स हैं ये भी थोड़ा अलग अलग हो सकते हैं। पहले बात करें यहां पर एक्यूट पोरफाइरिया के लक्षण की। दोस्तों एक्यूट पोरफाइरिया में जो सिम्टम्स ज्यादा देखे जाते हैं, पेट में दर्द, ठीक है दोस्तों, हाथ पैर और हमारी पीठ में दर्द होना, कई बार दोस्तों हमें स्टूल पास करते टाइम भी प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिटिंग फील हो सकती है, अनिंद्रा दोस्तों, घबराहट महसूस हो सकती है, मसूड़ों का सुकड़ जाना, ठीक है दोस्तों, हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज होना जिससे कमजोरी, लकवा और दोस्तों कई बार हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम, इस टाइप के सिम्टम्स भी देखने पड़ सकते हैं, दौरे पड़ना, कुछ हमारी मानसिक समस्याएं, हाई ब्लड प्रेशर, यूरिन रोक न पाना या दोस्तों यूरिन कई बार बंद हो जाना, ठीक है, यूरिन के कलर में चेंजेस, तो ये कुछ इस टाइप के दोस्तों पोरफाइरिया के एक्यूट पोरफाइरिया के सिम्टम्स होते हैं। अब बात करें यहां पर तो क्यूटेनियस पोरफाइरिया के सिम्टम्स की, तो दोस्तों इसमें जैसा कि मैंने पीछे बताया कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो स्किन में जलन महसूस करना, स्किन में खुजली होना, ठीक है, कुछ स्थायी निशान बन जाना, स्किन में दर्द ना, कुछ छाले बन जाना, यूरिन का कलर गहरा हो जाना, स्किन पर जल्दी घाव बनना और धीरे धीरे ठीक होना, ठीक है, तो स्किन से रिलेटेड इसकी प्रॉब्लम्स दोस्तों सबसे ज्यादा देखी जाती है। बात करें दोस्तों इसके कारण की, पोरफाइरिया के कारण क्या है, किन कारणों की वजह से पोरफाइरिया डिजीज होती है। दोस्तों पोरफाइरिया ऐसे कई डिजीज का एक ग्रुप है जो हमारे नर्वस सिस्टम और स्किन को प्रभावित करते हैं। उसके अनुसार दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में ऐसे पदार्थ जमा होने लगते हैं जिसके कारण पोरफाइरिन बनने लग जाता है। हीम बनाने वाले जो प्रोटीन है, प्रोटीन में किसी टाइप का जीन म्यूटेशन या जेनेटिक म्यूटेशन होना पोरफाइरिया का मेन कारण माना जाता है। दोस्तों हीम प्रोडक्शन से पहले बनने वाले पदार्थ को पोरफाइरिन और पोरफाइरिन प्रिक्सर्कर कहा जाता है। कुछ मामलों में कुछ
अगर किसी ऐसे एंजाइम की कमी है जो पोरफायरिन बनने के लिए आवश्यक, बनाने के लिए आवश्यक है, तो ऐसे में पोरफायरिन और पोरफायरिन प्रिक्सर्कर जमा होने लगता है। और दोस्तों ये ज्यादातर स्किन, लीवर, दोस्तों कुछ शरीर के अदर टिश्यूज में बनने लग जाते हैं। पोरफायरिन और पोरफायरिन प्रिक्सर्कर अधिक मात्रा में बनने से इसके कुछ टाइप के पोरफायरिया के सिम्टम्स विकसित होने लगते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।